अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ग्रिल्ड लैम चॉप्स बनाने की रेसिपी और साथ में ग्रिल किए हुए आलूओं की रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, चंद ही चीज़ें चाहिए हमें इसे तैयार करने के लिए। कुकिंग टाइम भी इसका इतना ज़्यादा नहीं है, मिनटों में बनकर ये तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, साथ निभाइएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबके कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी कार्ड आप नोट कर लें। सबसे पहले एक बर्तन में 3 से 4 बड़े चम्मच दही के लेंगे। तीन बड़े चम्मच लेमन जूस के, एक बड़ा चम्मच सिरका का, आधा छोटा चम्मच लहसुन और अदरक का पाउडर, एक एक बड़ा चम्मच पिसे हुए जीरे और धनिया का, एक एक बड़ा चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स और पेपरिका का, ये ऑप्शनल है, नमक और काली मिर्च टेस्ट के हिसाब से, और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 बड़े चम्मच तेल के और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लैम चॉप्स को अच्छी तरह से धो लिया है, अब इसके ऊपर हम ये मसाला लगाएंगे। एक एक करके इसी तरह से हम सब चॉप्स को मसाला लगा देंगे। मसाला लगाने के बाद इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। मैंने इसे ओवरनाइट रखा था। इस तरह से हम सब चॉप्स को कवर कर देंगे। एक किलो आलू लेंगे और इन्हें छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और अब एक पैन में पानी लेंगे और इसमें आलूओं को बॉईल करेंगे। पानी इतना लेंगे इसमें सारे आलू कवर हो जाएं। और अब इन्हें ढक कर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब आलूओं को मैरिनेट करने के लिए 1 छोटा चम्मच नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और पिसा हुआ लहसुन लेंगे, 1 छोटा चम्मच रोजमेरी और मिक्स्ड हर्ब्स का, ये दोनों ऑप्शनल हैं, और 1 बड़ा चम्मच मैदे का, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच पेपरिका, ये ऑप्शनल है, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 9 मिनट हो चुके हैं आलूओं को पकते हुए। आलूओं को अच्छी तरह से बॉईल नहीं करना, बस 80% ही इन्हें पकाना है। ये हो चुके हैं, अब हम इन्हें पानी से निकाल लेंगे। आलूओं को एक बर्तन में निकालेंगे और इन्हें इस तरह से हिलाएंगे। ऐसे करने से जो मसाला है वो आलूओं को अच्छी तरह से लग जाएगा। आलूओं के किनारे रफ हो चुके हैं, हमें इसी तरह के चाहिए थे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदे का और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आलूओं को कोट करेंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे जो मसाला हमने मिक्स किया था। और इस तरह से हिला हिला कर सारे आलूओं को इससे कवर कर देंगे। आप देख सकते हैं आलू अच्छी तरह से कवर हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा तेल और इसे भी इस तरह से हिलाकर सारे आलूओं पर लगा देंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे और इसमें आलूओं को शामिल करेंगे। आधे आलू पैन में शामिल कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इन्हें पकाएंगे। बाकी के आलूओं को हम ट्रे में डालेंगे और इन्हें हम ग्रिल करेंगे।
चाहें तो आप इन्हें बेक कर लें 20 से 25 मिनट के लिए ओवन में। दस से 15 मिनट के लिए हम इन्हें ग्रिल करेंगे, या जैसे आपको चाहिए गोल्डन होने तक इन्हें ग्रिल कर लें। थोड़ी थोड़ी देर बाद आलूओं की साइड्स को टर्न करेंगे। आलू तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं, अगर आप चाहें तो आप इन्हें अभी भी सर्व कर सकते हैं। मैं इन्हें थोड़ा सा और पकाऊंगी। लैम चॉप्स को मसाला लगाकर ओवरनाइट रखा था, पकाने से पहले आप इन्हें रूम टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए रखें। अब ग्रिल पैन में थोड़ा सा तेल शामिल करेंगे और इसे ब्रश की मदद से अच्छी तरह से सारे ग्रिल में फैला लेंगे और अब एक एक करके सारे चॉप्स इसमें शामिल करेंगे। और इसे मीडियम हीट पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर इसे टर्न करेंगे। हमारे ग्रिल किए हुए और पैन वाले आलू तैयार हो चुके हैं। अभी ने भी हम ट्रे में निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों में कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, दोनों बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुके हैं। ये फ्राई किया हुआ पैन में और ये दूसरे वाला ग्रिल किया हुआ, दोनों बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। चॉप्स को भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इन्हें टर्न करेंगे। ग्रिल होने में इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाती हैं। बाकी ये आपके टेस्ट पर है, आपको कैसी चाहिए। चॉप्स अच्छी तरह से ग्रिल हो चुकी हैं, अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे। हमारी बहुत ही मज़े की जूसी चॉप्स तैयार हो गई हैं, अब हम इन्हें प्लेट अप करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।